त्रिकोण में सबसे पहले बेसिक एमसीक्यू लेवल के कुछ सवाल हैं, वो मैं आप लोगों को आइडिया दे देता हूँ, करना इतना मुश्किल नहीं है उनको। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्लासिफाई द फॉलोइंग क्वांटिटीज एज स्केलर और वेक्टर्स। आपको बताना है कि क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है। ये फिजिक्स से रिलेटेड सवाल है आपका, जैसे फोर्स हो गया, इसी तरीके से वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गई, इसी तरीके से जो आपका है क्या कहेंगे वेट हो गया, ये सब स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी। तो पीछे जो बचेगा फॉर एग्जाम्पल स्पीड हो गई, एरिया हो गया, वर्क हो गया, वॉल्यूम हो गया, मास हो गया, ये सब क्या है स्केलर क्वांटिटीज हैं, जिनमें डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपको बोलेगा वर्क की डायरेक्शन क्या है, नहीं वर्क एक आपको एक नंबर मिलेगा, कोई डायरेक्शन नहीं है उसके। इसी तरह मास, मास की कोई डायरेक्शन नहीं है, वेट की डायरेक्शन है कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है वो। इसी तरह स्पीड, स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं है, भाई 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप जा रहे हो, लेकिन अगर मैं बोलूं कि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा हूं तो फिर वो वेलोसिटी हो जाती है। तो वेलोसिटी वेक्टर है लेकिन स्पीड जो है वो स्केलर है। तो ये बेसिक से सवाल है, देख लेना इसको। क्वेश्चन नंबर टू पे आज लिखा हुआ है आपको एक वेक्टर बनाना है पी क्यू, आपको दो पॉइंट्स दिए हैं। अब ये वो रिवीजन है जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी करवा चुका हूँ कि जब दो पॉइंट्स आपको गिवन हो तो वेक्टर आप कैसे बनाते हो। सर चलो कोई एक पार्ट हम कर लेते हैं इसका, पार्ट नंबर टू देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट नंबर टू, आपको एक पॉइंट दिया हुआ है पी जिसके कोऑर्डिनेट है -5/2,9 और दूसरा पॉइंट है क्यू जिसके कोऑर्डिनेट है 10,8। आपको यहां से वेक्टर बनाना है, कौन सा वेक्टर, वेक्टर पी क्यू। तो पी क्यू वेक्टर बनाने का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, क्यू माइनस पी, ये सिंपल फॉर्मूला। तो क्यू माइनस पी कर दो, क्यू यहां पे क्या है 10,8 और पी यहां पे क्या है -5/2,9। अब आपने माइनस करना है सेम कोऑर्डिनेट्स को, आपस में आप माइनस करते हो तो 10 -5/2, तो माइनस माइनस पॉजिटिव, ये हो जाएगा 10+5/2। इसी तरीके से 8 -9, तो सॉल्व करो क्या हो जाएगा 5/2 को अगर आप 10 के अंदर ऐड करोगे, 2 10s are 20, 20+5 25, ये हो जाएगा 25/2 और ये हो जाएगा -1। ये आपके पास वेक्टर आ जाएगा, ठीक है, जिसको आप जो बुक ने जिस फॉर्म में बोला हुआ है ना कि इसको रिजॉल्व करो आई और जे कंपोनेंट्स की फॉर्म में, उस फॉर्म में अगर लिखोगे तो आप इसको इस तरह लिखोगे 25/2i - j, ये इसकी वो वाली फॉर्म है जो बुक वालों ने आपसे पूछा हुआ है। जब भी आपको दो पॉइंट्स दिए जाए, आपको बोला जाए कि यार वेक्टर निकालो, आपने देखना है वेक्टर बोला हुआ क्या। अगर उन्होंने पी क्यू बोला हुआ है तो आप क्या करोगे, बाद वाला पॉइंट माइनस पहले वाला पॉइंट। अब बिलफर्ज अगर आपको यहाँ पे क्यू पी बोला जाता, इसका मतलब आप बाद वाला पॉइंट क्या है, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको बोला जाए क्यू पी, इसका मतलब बाद वाला पॉइंट क्या है, पी है। तो अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, पी माइनस पी। तो जो बाद वाला पॉइंट होता है उसे आपने माइनस करना होता है पहले वाले पॉइंट, जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में आप बोलोगे, मैथमेटिकल लैंग्वेज में, टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, ये तरीका होता है। और ये सवाल आगे भी आप लोगों का आएगा बाकी एक्सरसाइज में, तो बार बार मैं नहीं बताऊंगा, एक दफा आप लोगों के कॉन्सेप्ट ध्यान में आना चाहिए कि वेक्टर आप किस तरीके से निकालते हो। क्वेश्चन नंबर थ्री में बोला हुआ फाइंड द फॉलोइंग वेक्टर्स इफ पी क्यू आर, आपको तीन वेक्टर दिए हुए और आपको बोला हुआ फलाना वेक्टर निकालो। जितने भी पार्ट्स है ना उसमें कम्बिनेशन है वेक्टर्स की, कि किसी वेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई करो, उसको ऐड कर दो दूसरे वेक्टर के अंदर, ये सब चीजें मौजूद है। तो मैं कोई एक पार्ट करवा देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल पार्ट नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3, तो आपको बोला हुआ क्या है कि अच्छा गिवन क्या है, सबसे पहले लिख लेते हैं, आपको वेक्टर पी गिवन है। अच्छा जी, क्यू लिख लेते हैं और आर है -6i+7j। अभी टू डायमेंशन में ही सब चीजें होंगी, नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको फिर 3 डायमेंशन में नजर आएंगे, तो सवाल यही होंगे, बस उन्होंने 3 डायमेंशन किया हुआ होगा, तो कोई नई चीज नहीं होगी उसके अंदर। तो फॉर एग्जाम्पल हम पार्ट नंबर 3 कर रहे हैं, तो हमें कैलकुलेट करना है 3p+5q-4r, ये आपको मालूम करना है, ये चीज जो है ये आपको मालूम करनी है। तो कुछ भी नहीं करना, बस वेक्टर को मल्टीप्लाई करना और ऐड करना, और तो कोई खास काम नहीं है इसके अंदर। तो 3p+5q-4r, आप सारी वैल्यूज एक साथ पुट कर दो और इसको सॉल्व कर लो। जैसे p को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो p क्या है यहां पे -5i+4j,
प्लस फाइव क्यू, क्यू को आपने मल्टीप्लाई करना है फाइव से, क्यू है माइनस थ्री आई प्लस फाइव जे, फिर लिखा है माइनस फोर आर, आर यहां पे क्या है माइनस सिक्स आई प्लस सेवन जे। जैसे आप नॉर्मल अलजेब्रा पे मल्टीप्लाई करते हुए आ रहे हो वैसे ही आपने इसको सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करो ये हो जाएगा माइनस फिफ्टीन आई, ये हो जाएगा ट्वेल्व जे, फाइव को मल्टीप्लाई करो माइनस फिफ्टीन आई प्लस ट्वेंटी फाइव जे, फिर हो जाएगा ट्वेंटी फोर आई माइनस ट्वेंटी एट जे, माइनस फोर को आपने दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करती है। अब जो आई वाली टर्म है उनको आपस में सिंप्लीफाई कर लो, माइनस फिफ्टीन आई माइनस फिफ्टीन और ट्वेंटी फोर, ये हो जाएगा माइनस सॉरी माइनस सिक्स आई, माइनस फिफ्टीन माइनस फिफ्टीन हो जाएगा माइनस थर्टी, माइनस थर्टी को आप एड कर दो ट्वेंटी फोर के अंदर तो माइनस सिक्स हो जाएगा, और ट्वेल्व जे ट्वेंटी फाइव जे ये हो जाएगा थर्टी सेवन जे, थर्टी सेवन में से अगर आप निकालोगे माइनस ट्वेंटी एट तो पीछे बचेगा नाइन जे, ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ये सवाल जो है ये एमसीक्यू लेवल के, इनको आप एक्सपेक्ट ना करना कि पेपर में चार नंबर के अंदर ये आएगा, ये एमसीक्यू लेवल के क्वेश्चन है, इस तरीके से आप एमसीक्यू सॉल्व करो। अच्छा जी, फिर क्वेश्चन नंबर फोर में बोला हुआ है आपको पी दिया हुआ है, क्यू पॉइंट दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, एस दिया हुआ है, आर द गिवन पॉइंट्स, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स पी क्यू एंड आर एस। अब आप इसको खुद करना, सबसे पहले आप पी क्यू वेक्टर निकालोगे, पी क्यू वेक्टर कैसे आएगा क्यू माइनस पी, सॉल्व करना मैंने तरीका पूरा बता दिया, आपके पास पी क्यू वेक्टर आ जाएगा। फिर आप निकालना यहाँ पे आर एस वेक्टर, आर एस वेक्टर कैसे आएगा एस माइनस आर, तो आर एस वेक्टर भी आपके पास आ जाएगा। जो दोनों वेक्टर आएंगे ना पी क्यू और आर एस, इनको आपस में ऐड कर देना, जैसे आपने इनको ऐड किया होगा ना आई को आई के अंदर जे को जे के अंदर, तो दोनों वेक्टर्स को ऐड करोगे जो रिजल्ट आएगा वो इनका सम कराया जाएगा, क्वेश्चन नंबर फोर भी हो जाएगा, बहुत इजी से सवाल है। क्वेश्चन नंबर फाइव में बोला है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर। ये कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को दिया है कि किसी वेक्टर की डायरेक्शन में अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना हो तो सिंपल फॉर्मूला होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, ये मैं करवा देता हूँ। तो हम एक काम करते हैं, कौन सा पार्ट पिक करें इसका, एक ही किस्म के सारे पार्ट, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर फाइव का पहला पार्ट चलो पिक कर लेते हैं। वेक्टर आपको गिवन है, नाम भी इन्होंने दिया हुआ है पी का, माइनस थ्री आई प्लस एट जे, ये नाम दिया, और आपको यूनिट वेक्टर निकालना है इसकी डायरेक्शन में। मैं लिख लेता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट वर्डिंग है, मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था दो किस्म के सवाल आते हैं, एक आता है यूनिट वेक्टर निकालो इस वेक्टर की डायरेक्शन में, और एक आता है यूनिट वेक्टर निकालो इन वेक्टर्स के परपेंडिकुलर, तो दो अलग किस्म के सवाल होते हैं। तो अभी आपको यहां पे निकालना है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी, ये आपको निकालना है पी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। अब जरा देख लो, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आपको इसका मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, मैग्नीट्यूड जिसको आप वेक्टर की लेंथ कहते हो कि वेक्टर की लेंथ कितनी, कितना बड़ा वेक्टर है उसको मैग्नीट्यूड हम कहते हैं। तो निकालने का सिंपल तरीका क्या होता है, लिखते हैं आप इस तरीके से मॉड लगाते हो, मॉड का मतलब यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, और निकालने का तरीका क्या होता है जो आई कंपोनेंट है ना उसका स्क्वायर करो जो भी उसके साथ लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा माइनस थ्री का स्क्वायर, जे के साथ क्या लिखा हुआ है एट, तो आप इसका स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा नाइन, ये हो जाएगा सिक्सटी फोर, सिक्सटी फोर और नाइन को ऐड करो ये हो जाएगा सेवेंटी थ्री, तो जो पी है ना उसकी लेंथ कितनी आई है स्क्वायर रूट सेवेंटी थ्री, ये उस वेक्टर की लेंथ है। अब आपको यहाँ पे यूनिट वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, यूनिट वेक्टर को आप लिखते हो पी के ऊपर एक कैप लगाते हो, उसके बाद आप लिखते हो वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, रिपोर्ट कर देते हैं, वेक्टर यहाँ पे क्या है माइनस थ्री आई प्लस एट जे, आप इसको डिवाइड कर दो इसके मैग्नीट्यूड से, मैग्नीट्यूड आया रूट सेवेंटी थ्री, रूट सेवेंटी थ्री की वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि एक इरेशनल वैल्यू आएगी, आप उसको राउंड ऑफ करोगे तो ऐसी रहना देना आप उसको, और फाइनल स्टेप क्या होगा आप इसको ब्रेक कर दोगे, ये हो जाएगा माइनस थ्री अपॉन स्क्वायर रूट सेवेंटी थ्री आई, इसी तरीके से एट अपॉन स्क्वायर रूट सेवेंटी थ्री जे, मतलब इसको आप सिंपल समझ लो कि एलसीएम ब्रेक कर रहे हो आप, यहाँ पे दोनों टर्म के साथ अलग अलग आपने सॉल्व किया, आई अलग कर लिया जे आपने अलग कर लिया, क्योंकि जब आप वेक्टर को लिखते हो ना तो वेक्टर को आप कंपोनेंट के फॉर्म में ब्रेक करते हो, तो आई की टर्म अलग जे की टर्म अलग और बाद में के की टर्म आई की अलग होगी, तो ये फाइनल फॉर्म होगी, ये आपका यूनिट वेक्टर यहाँ पे आ गया। और अगर आप अपना आंसर यहाँ पे चेक करना चाह रहे हो ना तो आपने पढ़ा था कि यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड वन है, तो आप इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो ना, कैसे मैग्नीट्यूड निकालेंगे, जैसे ऊपर आपने निकाला था, आप क्या करना आई के साथ जो चीज लिखी हुई है ना
इसका स्क्वायर करना, इसी तरीके से जो जे के साथ लिखा हुआ इसका स्क्वायर करना, एड करना इनको आपस में और स्क्वायर रूट ले लेना, देखना वन के बराबर आएगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन के बराबर होता है। तो आप चेक भी कर सकते हो जो आपने आंसर निकाला है वो ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आओ। क्वेश्चन नंबर सिक्स में बोला हुआ फाइंड द वेक्टर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स विद अ गिवन मैग्नीट्यूड। अब आपने बोला हुआ जैसे इस सवाल में बोला हुआ था कि यूनिट वेक्टर निकालो एक खास वेक्टर की डायरेक्शन में। तो यूनिट वेक्टर किसी वेक्टर की डायरेक्शन में निकालने का तरीका क्या होता है, उस वेक्टर को आप डिवाइड कर दो उसके मैग्नीट्यूड से, ये यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका होता है। अब आपको यूनिट वेक्टर नहीं निकाला सिक्स के अंदर, सिक्स में आपको बोला ना एक वेक्टर मालूम करो। अब वेक्टर मालूम करने के लिए दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, उस वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, ये दो चीजें पता होनी चाहिए ना। तो वेक्टर निकालने का तरीका आपने क्या पढ़ा हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल कोई वेक्टर आपको निकालना है जिसको मैं पी कह देता हूं, तो वेक्टर निकालने का तरीका क्या होगा, उस वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दो उसके मैग्नीट्यूड से, मतलब उसको यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दो उसके मैग्नीट्यूड से। जैसे अभी फॉर्मूला देख रहा हूं ना, इसमें से उसको इधर जाकर मल्टीप्लाई कर दो। तो कोई भी अगर आपको वेक्टर निकालना है ना, आपको उसका मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए। मैग्नीट्यूड डिसाइड करेगा उस एरो की लेंथ कितनी है, ये पूरा मैग्नीट्यूड डिसाइड करेगा, और किसी ना किसी डायरेक्शन में होगा ना। तो डायरेक्शन निकालने के लिए क्या यूज करते हो, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मकसद आप ये समझ लो, हमेशा डायरेक्शन बताना होता है आपको। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो वन है ना, डायरेक्शन वही होगी जिस डायरेक्शन में आप निकालना चाह रहे हो। तो यूनिट वेक्टर आपको डायरेक्शन तो दे देगा, डायरेक्शन आपको वो सही दे देगा। मसला यूनिट वेक्टर का क्या है, उसका मैग्नीट्यूड वन होता है। तो अगर आपको डायरेक्शन मालूम करनी है तो आप यूनिट वेक्टर से डायरेक्शन मालूम कर लोगे, लेकिन मैग्नीट्यूड आपको नहीं पता। मैग्नीट्यूड उन्होंने हर सवाल में दे दिया आपको। जैसे पार्ट वन में देखो, आपको बोला गया कि वेक्टर निकालो, पार्ट नंबर वन की बात करें तो वेक्टर निकालो किस वेक्टर की डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड उसका सिक्स यूनिट है। तो जो वेक्टर की डायरेक्शन में आपको निकालना है ना, आप उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल लो। जैसे यूनिट वेक्टर आएगा उसको मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपके पास वेक्टर आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि कंसीडर कर लो, सवाल में आपको एक वेक्टर दे दिया है, ये ए वेक्टर है, ये गिवन है, सवाल में आपको पता है। आपको एक वेक्टर निकालना है, ऐसा वेक्टर जो इस डायरेक्शन में, अब इस डायरेक्शन में कहीं भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में इधर है, इस डायरेक्शन में इधर है, इस डायरेक्शन में कहीं भी है। तो भाई इसका यूनिट वेक्टर ये वाला डायरेक्शन सबकी सेम है ना, तो उसका मतलब यूनिट वेक्टर तो सेम ही होगा। आप क्या करोगे, इसका यूनिट वेक्टर निकालोगे, आपके पास डायरेक्शन आ जाएगी। लेकिन अब आपको नहीं पता वो वेक्टर कितना बड़ा है, वो इसके साइज का है, वो इससे बड़ा है, वो क्या है, आपको तो नहीं पता। तो उन्होंने आपको मैग्नीट्यूड दे दिया, उस मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर देना यूनिट वेक्टर से, आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है जो हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो किसी भी वेक्टर की जो गिवन वेक्टर है उसकी डायरेक्शन में अगर आपको कोई और वेक्टर निकालना है तो उसके लिए आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। डायरेक्शन कैसे निकालोगे, इस वेक्टर से यूनिट वेक्टर निकाल लेना, डायरेक्शन आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जो आपको वेक्टर निकालना है, कंसीडर कर लो ये है, ये आपका रिक्वायर्ड वेक्टर है। तो इसमें और इसमें कॉमन चीज क्या है, डायरेक्शन इनकी सेम है, मतलब इसका यूनिट वेक्टर इसका यूनिट वेक्टर सेम होगा। तो यूनिट वेक्टर जो इसका आएगा आप उसको इसका यूज कर लेना, तो डायरेक्शन तो आपके पास आ जाएगी। फिर इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए वो सवाल में आपको दे दिया, तो आप यूनिट वेक्टर को मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो और आप इस फॉर्मूले को देखो, एक्जैक्ट वही है, इस मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दो यूनिट से, आपके पास वेक्टर आ जाएगा। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो ये आप ट्राई कर लेना, मैं आइडिया दे रहा हूँ, क्योंकि हर चीज आप लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कोई नई चीज नहीं है इसके अंदर। जैसे पार्ट नंबर वन लिखा रहा है, आपको वेक्टर ए दे दिया गया है 2i-3j, और आपको बोला हुआ है कि जो वेक्टर आपको निकालना है ना उसका मैग्नीट्यूड जो है वो 6 है। ये एक डेटा आपको गिवन है। अब आप लोग क्या करोगे, अब आप कह देना, मतलब डेटा यहां पे बनाना चाहो तो आप इस तरह लिख देना सॉल्यूशन पे आना कि लेट द रिक्वायर्ड वेक्टर इज बी। आप लेट कर लेना, जो आपको वेक्टर निकालना है वो बी के बराबर है, वो बी वेक्टर है जो आपको मालूम करना है सवाल के अंदर। अब वो वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे मालूम करोगे, फॉर्मूला सिंपल क्या है कि इस वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दो इस वेक्टर की यूनिट वेक्टर से, मल्टीप्लाई कर दो उसके मैग्नीट्यूड को। ये फॉर्मूला है, किसी भी वेक्टर को मालूम करने के लिए आप क्या करते हो, उसके यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देते हो मैग्नीट्यूड से। तो अब आपको यूनिट वेक्टर और मैग्नीट्यूड बताना चाहिए। मैग्नीट्यूड तो सवाल में उन्होंने दिया हुआ है, सवाल में अगर आप देखो मैग्नीट्यूड कितना है 6, तो मैग्नीट्यूड तो आपको ऑलरेडी पता है। क्या चीज आपको नहीं पता, आपको यूनिट वेक्टर नहीं पता। तो अब आपको बोला होता है कि जो आपका रिक्वायर्ड वेक्टर है वो इसकी डायरेक्शन में, तो अगर ये दोनों की डायरेक्शन सेम है इसका मतलब दोनों का यूनिट वेक्टर सेम होगा। जब डायरेक्शन सेम तो यूनिट वेक्टर भी सेम।
तो आप यहां से निकालोगे यूनिट वेक्टर, जो यूनिट वेक्टर आएगा ना यहाँ पे, जो भी ए कैप इसका यूनिट वेक्टर आ रहा होगा वो यहाँ पे बराबर होगा बी कैप के, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम तो दोनों के यूनिट वेक्टर सेम। जब डायरेक्शन अलग होंगी तो यूनिट वेक्टर अलग होंगे, वरना तो डायरेक्शन सेम है यूनिट वेक्टर सेम होगा। तो आप यहाँ पे रुकने के बाद क्या करना, इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेना। जैसे आपके पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा नीचे वर्डिंग लिख देना कि सिंस ए एंड बी इज इन द सेम डायरेक्शन देयरफॉर ए कैप और बी कैप ये आपस में बराबर होंगे, और वो बी कैप की वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट करना उसको। जैसे ये फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा कुछ ना कुछ यहाँ पे आ रहा होगा, तो मल्टीप्लाई कर देना सिक्स से, मतलब आई का जो कंपोनेंट है उसको भी सिक्स से मल्टीप्लाई कर देना, जो जे है उसको भी सिक्स से मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास रिक्वायर्ड वेक्टर आ जाएगा। ये बुरा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, तो मैंने होमवर्क नहीं दिया बल्कि साथ साथ आप लोगों को समझा भी दिए कि किस किस तरीके से आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। अब आखिरी सवाल है, उसके बाद फिर एक नया टॉपिक आ जाएगा, वो है क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन में बोला फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन, और कंडीशन आपको दी गई है, सब में सेम ही तरीके की कंडीशन है, कोई फर्क नहीं है। पार्ट वन पार्ट थ्री में आपको कंपोनेंट वाली फॉर्म गिवन है, और पार्ट टू पार्ट फोर में आपको पॉइंट वाली फॉर्म गिवन है वेक्टर्स की। मैंने बताया था वेक्टर को आप डिफरेंट तरीके से लिख सकते हो, वेक्टर को इस तरह भी लिख सकते हो, वेक्टर को इस तरह भी लिख सकते हो, साइड पे आप स्क्वायर ब्रैकेट भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है, इसको कॉलम वेक्टर भी लिख सकते हो इस तरीके से। सेम इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कॉलम वेक्टर की फॉर्म में, कॉलम मैट्रिक्स कह लो आप इसको, इस फॉर्म में आपकी मर्जी, जिस तरीके से आप लिखना चाहो वेक्टर को आप लिख सकते हो, ये वाली फॉर्म, ये वाली फॉर्म, ये वाली फॉर्म, हर चीज इसकी बिल्कुल ठीक है। तो पार्ट वन पार्ट नंबर थ्री में आपको ये वाली फॉर्म गिवन है वेक्टर की, और पार्ट नंबर टू पार्ट नंबर फोर में ये गिवन है। अब देखो इन्होंने यहाँ पे बताया नहीं है कि पार्ट नंबर टू पार्ट नंबर फोर में वेक्टर है नहीं, मैंने पहले भी आपको बताया था, अगर आपके पास लिखा हुआ 25/2, -1 जस्ट, तो अब इसके डिफरेंट मतलब बन सकते हैं। इसका यह मतलब बन सकता है कि पॉइंट है, मतलब बन सकता है ना सिंपल पॉइंट है, इसका मतलब ये भी बन सकता है कि ये वेक्टर है, पर डिफरेंट मतलब हो सकते हैं ना। जैसे अगर आप देखो ये पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा था, लेकिन सेम यही चीज वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, हालांकि आप देखो कोई फर्क नहीं है इनमें, सेम ही तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन ये पॉइंट पी है, ये वेक्टर पी क्यू है। तो कॉन्टेक्स्ट जब तक आपको पता नहीं होगा, एक चीज डिफरेंट चीजों को रिप्रेजेंट कर सकती है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, अगर मैं आपके सामने सिंपल ये चीजें लिखूं, अब इसके डिफरेंट मतलब बन सकते हैं। पहला मतलब ये एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकता है जिसमें x वैल्यू 1 y वैल्यू 2। दूसरा मतलब ये इंटरवल को रिप्रेजेंट कर सकता है। अगर आप लोगों को याद हो चैप्टर नंबर 8 में चीज पढ़ी थी तो बता सकते हैं चैप्टर नंबर 8 की कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या मतलब था? भूल गए तुम चैप्टर 8 भाई, उसमें हमने पढ़ा था कि 1 से लेके 2 तक सारे रियल वैल्यूज इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हो, 1 से लेके 2 तक सारी वैल्यूज इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, जो राउंड ब्रैकेट है ये रिप्रेजेंट करती है कि वैल्यू शामिल नहीं है। जैसे 1 पे राउंड ब्रैकेट है इसका मतलब 1 शामिल नहीं है, 2 पे राउंड ब्रैकेट है इसका मतलब 2 शामिल नहीं है, अगर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट होती इसका मतलब वो वैल्यू शामिल होती। तो चैप्टर नंबर 8 में आपने पढ़ा था कि इंटरवल को रिप्रेजेंट करती है। इंटरवल क्या होता है? एक और दूसरी वैल्यूज के दरमियान जितनी भी आपकी वैल्यूज होती है 1 से लेकर 2 तक सारी वैल्यूज, इसको आप इंटरवल कहते हो। तो सेम ही चीज है, इन दो चीजों को रिप्रेजेंट कर रही। अब जरा तीसरा मतलब भी सुन लो, आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर आप लोगों को याद हो कॉम्प्लेक्स नंबर भी आप इस तरह लिखते थे, ये जो आपके पास लिखा हुआ है इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में आप इस तरह लिखोगे 1+2i, सेम ब्रैकेट के फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को भी लिख सकते हो। अभी आपने पढ़ा है कि ये चीज वेक्टर को भी रिप्रेजेंट कर सकती है। अब देखो एक ही चीज है जो कि चार मतलब मैंने आप लोगों को उसके बता दिए, तो मैटर क्या करता है किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है उसमें आपको देखना पड़ेगा। तो जैसे पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 4 है, अब आपको नहीं पता ये पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो आपने चीज निकालनी है उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं वैसे ही आपको आइडिया दे रहा हूं कि ये नहीं कि अगर आप कोई भी पॉइंट देखो बोलोगे पॉइंट है या बोलो वेक्टर है, आपने देखना पड़ेगा कि यार आपको मजीद इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, वरना एक चीज के डिफरेंट मतलब बन सकते हैं। तो खैर करोगे क्या इसमें यार, अननोन वैल्यू गिवन है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, हाँ तो जैसे 7 का बड़ा इजी है यार, कोई इतना मसला है नहीं इसमें। जैसे 7 का पार्ट नंबर फॉर एग्जांपल 3 कर लेते हैं, लिखा हुआ 7/2i 3/5j = PI -3/√25j। भाई सिंपल सी बात है, लेफ्ट पे भी आपके पास एक वेक्टर है, राइट पे भी एक वेक्टर है, और बोला हुआ है कि दोनों वेक्टर इक्वल है। भाई दो वेक्टर इक्वल उस वक्त होते हैं जब उनके जो कंपोनेंट्स है ना वो आपस में इक्वल होते हैं, मतलब दोनों का आई का इक्वल होगा, दोनों का जे कंपोनेंट इक्वल होगा। तो आप जरा देख लो, इसका आप चेक भी कर सकते हो, इसका जे कंपोनेंट क्या है -3/5, तो देखो इसका भी जे कंपोनेंट क्या -3/5, ये √25 लिखा हुआ है वो 5 के बराबर ही होता है,
तो माइनस थ्री अपॉइंट फाइव माइनस थ्री अपॉइंट फाइव। इसी तरीके से इनका आई कंपोनेंट भी बराबर होना चाहिए। अगर इसका आई कंपोनेंट सेवन अपॉइंट टू है तो इसका भी क्या होना चाहिए, सेवन अपॉइंट टू। इसका मतलब पी की वैल्यू यहां से क्या मिलेगी आपको, सेवन अपॉइंट टू। ये एमसीक्यू लेवल का सवाल होता है, तो पी यहाँ पे क्या होना चाहिए, सेवन अपॉइंट टू होना चाहिए। सेम काम पार्ट नंबर टू पार्ट नंबर फोर में भी कर लेना यार। जैसे पार्ट नंबर टू में लिखा हुआ है पॉइंट है 5.7, बोला गया कि ये बराबर है 5.-q के। अब देखो दोनों की पहली वैल्यू बराबर है तो दोनों की दूसरी वैल्यू भी बराबर होगी, क्योंकि दरमियान में इक्वल है। इक्वल का मतलब दोनों तरफ सेम ही चीज होगी। तो यहाँ पे अगर 7 लिखा हुआ है तो ये बराबर होगा -q के, और यहां से क्यू की वैल्यू आ जाएगी -7। तो एमसीक्यू लेवल का सवाल है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 से ऑनवर्ड जो है वो डिफरेंट टॉपिक है, वो मैंने थ्योरी में भी इतना एड्रेस नहीं किया, तो वो इंशाल्लाह बाद में उसको देख लेंगे। अभी आप आ जाओ 3.2 के ऊपर। 3.2 में एग्जैक्ट इसी किस्म का सवाल है, बस यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट्स गिवन होते थे ना, मतलब टू डायमेंशन में यहाँ पे बात हुई थी, 3.2 में थ्री डायमेंशन में बात हुई थी, तो कॉन्सेप्ट तो चेंज नहीं होगा, थ्री डायमेंशन और टू डायमेंशन में बात तो एक ही रहेगी, तो इसी तरह उसको भी देख लेते हैं। तो अभी फिलहाल आप लोग आ जाओ एक्सरसाइज 3.2 के ऊपर। थ्री पॉइंट टू में क्या बोला मैं, पहले सवाल में बोला मैं आपको यू गिवन है, वी गिवन है, डब्ल्यू गिवन है, और एक्जैक्ट वही सवाल है जो आप लोगों को पहले करना था। ये मैं बता देता हूँ कौन सा सवाल है, ये 3.1 का सवाल नंबर 3 है, तो एग्जैक्ट उसी किस्म का सवाल है। यहाँ पे आपको बस तीन कंपोनेंट गिवन है आई जे के, तो आप वही काम करोगे जैसे कोई भी आप पार्ट पिक करो, जैसे पार्ट नंबर फॉर एग्जाम्पल 3 है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 क्या है कि आपको मालूम करना है, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 आपको मालूम करना है, यू माइनस 3v प्लस 2w, ये मालूम करना है आपने। तो सिंपल तरीका क्या होगा, आप यहां पे पुट करोगे u को माइनस 3 टाइम्स v प्लस 2 टाइम्स w, तो u v w की वैल्यूज आप यहां पे पुट कर दोगे, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे, सिंप्लीफाई करोगे। यहां पे तीन कंपोनेंट्स है i j k, तो जो i की टर्म्स होंगी उनको आपस में ऐड कर लेना, जो j की टर्म्स होंगी उनको ऐड कर लेना, जो k की होंगी उनको ऐड कर लेना, तो कोई मसला नहीं होगा इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको वेक्टर दिया हुआ है और बोला हुआ है कि आप ये चीजें मालूम करो। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 में बोला हुआ है -2a, क्या मतलब, वेक्टर a को -2 से मल्टीप्लाई कर दो। पार्ट नंबर 2 में बोला हुआ है 3 टाइम्स मैग्नीट्यूड, तो पहले आप a का मैग्नीट्यूड निकालो, जो मैग्नीट्यूड आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना। पार्ट नंबर 3 में बोला हुआ है वेक्टर a को मल्टीप्लाई करो 4/5 से, तो वेक्टर a के जितने भी i j कंपोनेंट हैं इनको 4/5 से मल्टीप्लाई कर दो तीनों को। और पार्ट नंबर 4 में बोला है -1/2a, इसका मतलब a के जो सारे कंपोनेंट है उसको आप -1/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। चलो पार्ट नंबर 4 देख लेते हैं, तो मुश्किल नहीं है ये, चलो फिर भी a आपको क्या गिवन है, -5i प्लस j प्लस 3j और -4k, ये गिवन है। तो आपको मालूम करना है -1/2a, तो -1/2 से आपने पूरे वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देना, -1/2 को -5 से करो +5/2 हो जाएगा, -1/2 को 3 से मल्टीप्लाई करो -3/2, -1/2 को -4 से करो -4/2 क्या होता है 2 के बराबर। इस तरीके से आप सॉल्व करोगे, बेस्ट तरीका होता है इनके ऊपर यार आई जे के ऊपर कैप लगा देना, बेस्ट तरीका ये प्रॉपर नोटेशन में इसको लिख देना, मैं जल्दी में करवा रहा हूँ, लिख नहीं रहा होता। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 में एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने दिया है, ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए। मैं आप लोगों को 3 क्लासेस में इन इस टाइप के बहुत सवाल मैंने आप लोगों को बताया, वेक्टर किस तरह बनाना है, मल्टीप्लाई डिवाइड, कोई बड़ी बात नहीं आपको। तो अगेन क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ए बी सी नाम चेंज कर दिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में यू वी डब्ल्यू था, अब ए बी सी वेक्टर्स हैं, तीन वेक्टर्स गिवन है और मालूम आपको वही करना है। जैसे पार्ट 1 में लिखा हुआ है ए -2b, मतलब वेक्टर ए पुट करो और बी को -2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपस में ऐड कर दो। सेम पार्ट नंबर 2 में पार्ट नंबर 3 में, जैसे पार्ट नंबर 3 में क्या बोला हुआ है 3a -2b प्लस ये बोला है, तो आपने क्या करना है यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी, यहाँ पे आपने a वेक्टर पुट कर दिया, या पहले इसको सिंप्लीफाई करना चाहो इस तरह सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। तो a के वेक्टर की वैल्यू पुट कर दो, b की वैल्यू पुट कर दो, c की वैल्यू पुट कर दो, a को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, b को मल्टीप्लाई करो 2 से और फिर माइनस से, मतलब सब टर्म के साथ माइनस आ जाएगा, और c के साथ माइनस लगा दो सब टर्म्स के साथ जितनी भी i j के हैं उसके, और सॉल्व करना i की टर्म को सिंप्लीफाई करो एक साथ j को अलग से k को अलग से, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, एग्जैक्ट वही है जो आप लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर फोर में अगेन आपको तीन वेक्टर दिए हुए और बोला हुआ है सबसे पार्ट वन में कि u प्लस v माइनस w, इसका मैग्नीट्यूड आपको निकालना है। तो u को आप ऐड करोगे v के अंदर, फिर माइनस w, मतलब इसको सॉल्व कर लेना, जो एंड पे वेक्टर आ रहा होगा उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। पार्ट नंबर टू में आपको क्या बोला हुआ है कि यू का मैग्नीट्यूड प्लस वी का मैग्नीट्यूड, क्वेश्चन नंबर फोर का पार्ट नंबर टू। ये कोई मुश्किल नहीं है जो मैं करवाऊं क्लास में, इसलिए बेहतर टाइम जाया करने से बेहतर है कि इसको आप लोग समझ लेना, फंसो तो मुझे बता देना कहीं पे। तो पार्ट नंबर टू में बोला हुआ है यू का मैग्नीट्यूड और वी का मैग्नीट्यूड, तो आप अलग से पहले यू का मैग्नीट्यूड निकाल लो। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, स्क्वायर रूट आई के साथ जो लिखा हुआ है उसका स्क्वायर करो, जे के साथ जो लिखा हुआ है उसका स्क्वायर, के साथ जो लिखा हुआ उसका स्क्वायर, आपस में ऐड कर दो, स्क्वायर रूट लो, आंसर आ जाएगा। तो यू प्लस वी दोनों के मैग्नीट्यूड को आपस में ऐड कर देना, आपके पास कोई नंबर आ रहा होगा। पार्ट नंबर थ्री में आपको क्या बोला है, ये चीज बोली है क्वेश्चन नंबर फोर के पार्ट नंबर थ्री में, तो अगर आप देखो इसका आंसर वन है, मैं खुद देख के बता रहा हूं क्या वजह है, यूनिट वेक्टर है ना, मैं इसको इस तरह अलग अलग करके लिखूं या एक साथ लिखूं, बात तो एक ही है ना, ये यूनिट वेक्टर है डब्ल्यू का, सिंपल कॉन्सेप्ट है। यूनिट वेक्टर आपने क्या पढ़ा था, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, तो ये वही तो है, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। तो सिंपल सी बात है, जो पूरी चीज है ना किसके बराबर है, ये बराबर है इसके डब्ल्यू का यूनिट वेक्टर। और आपको पता है यूनिट वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वो क्या आएगा, वन के बराबर आएगा। तो आप लोग इस तरह नहीं करना, आप लोग थोड़े स्टेप्स करके कर लेना, अगर बिल्फर्स पेपर में आएगा नहीं है, एमसीक्यूज लेवल पे आएगा, डायरेक्ट वन लिखना, टाइम जाया नहीं करना अपना। उसकी वजह यह है कि वेक्टर को जब उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हो तो आंसर में यूनिट वेक्टर आता है। फॉर एग्जाम्पल कंडीशन चेंज कर रहे थे, वो इस तरह कर देते, ऊपर डब्ल्यू होता नीचे ये होता, अब इसका आंसर वन नहीं होता क्योंकि आप एक यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं करता, यहाँ पे डब्ल्यू वेक्टर को आप डिवाइड कर रहे हो यू के मैग्नीट्यूड से, तो ये तो सिंपल एक वेक्टर आ रहा होगा, कोई यूनिट वेक्टर नहीं होगा ये, फिर इसका मैग्नीट्यूड वन नहीं होगा, कुछ और होगा। लेकिन जब यहाँ पे डब्ल्यू आ जाए तो फिर तो सिंपल कॉन्सेप्ट है कि वेक्टर को आप उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहे हो, रिजल्ट में क्या बचेगा, डायरेक्शन बचेगी, मतलब यूनिट वेक्टर बचेगा, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा, वन के बराबर होगा। तो एमसीक्यू उसमें डायरेक्ट वन लिख देना, अगर आपने सॉल्व करना है इसको तो कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे डब्ल्यू की वैल्यू पुट करो, सबसे पहले डब्ल्यू का मैग्नीट्यूड निकाल लेना, जैसे क्वेश्चन नंबर फोर में डब्ल्यू है टू टू माइनस फोर है, तो टू का स्क्वायर, फिर दोबारा टू है, फिर टू का स्क्वायर और फिर माइनस फोर का स्क्वायर, मतलब डब्ल्यू वेक्टर है टू आई प्लस टू जे माइनस फोर के, इस तरीके से आप मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो ये हो जाएगा फोर, ये भी हो जाएगा फोर, ये हो जाएगा सिक्सटीन, तो आंसर आ जाएगा रूट ट्वेंटी फोर। तो सिंपल जो डब्ल्यू वेक्टर है उसको आप डिवाइड कर देना रूट ट्वेंटी फोर से, और फिर वही काम करना जो एलसीएम ब्रेक करने का मैंने बताया था। जब ये हो जाएगा आपके पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा, फिर आप वही काम करना, उस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना कि जो आई के साथ लिखा हुआ है उसका स्क्वायर करना, जे के साथ लिखा हुआ उसका स्क्वायर, के साथ लिखा हुआ उसका स्क्वायर, ऐड करना, स्क्वायर रूट लेना, देखना आंसर आपका बन के बराबर आ रहा होगा। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो यूनिट वेक्टर निकालना तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है, 3.1 के अंदर करके भी दिखाया था, तो अगेन ये कोई नई चीजें नहीं है जो मैं यहाँ पे बताऊँ आप लोगों को। इसी तरह क्वेश्चन नंबर फाइव को फिलहाल छोड़ो, क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वेक्टर a1 a2। अभी एग्जैक्ट वही कॉन्सेप्ट है कि जब दो पॉइंट्स गिवन हो तो आप वेक्टर कैसे निकालते हो, पार्ट सिक्स के पार्ट नंबर वन, पार्ट नंबर टू, पार्ट नंबर थ्री में आपको दो पॉइंट दिए हुए a1 a2 और सवाल में बोला गया आपने वेक्टर निकालना है a1 a2, तो a1 a2 वेक्टर क्या होगा, a1 a2 जल्दी से बताओ कैसे निकालेंगे इसको, a2 माइनस a1 कर देंगे। हर पार्ट में आपको a2 भी गिवन है, a1 भी गिवन है, बस सब्ट्रैक्ट कर देना। 3.1 में आपके पास दो दो कोऑर्डिनेट्स हुआ करते थे पॉइंट के, यहाँ पे तीन तीन कोऑर्डिनेट्स हैं, कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स आप लोग कर लोगे। अब जरा फाइव पे आ जाते हैं, ये वही क्वेश्चन है जो आप लोग अभी कर चुके हो, अब जरा देखते हो नई चीज लिखी हुई हो। तो फाइव में लिखा हुआ था पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, आपको एक पॉइंट पी का पोजिशन वेक्टर दे दिया, एंड द पोजिशन वेक्टर ऑफ क्यू, एक और पॉइंट क्यू का आपको पोजिशन वेक्टर दे दिया, और बोला हुआ फाइंड 4PQ और 5PQ का मॉडुलस। अब जरा देखते हैं क्या करना है आपने। देखो मैंने पहले आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट दिया था, मैंने कहा था ये एक ही बात है, कान को दूसरे तरीके से उन्होंने पकड़ा हुआ है कि फॉर एग्जांपल आपको बोला जाए कि पी क्यू वेक्टर निकालो और आपको पॉइंट पी और पॉइंट क्यू दे दिया जाए, तो निकालने का तरीका क्या होगा अभी बताएं, क्यू माइनस पी।
लेकिन कभी आपको बोला जाता है पी क्यू वेक्टर निकालो, और आपको पी और क्यू पॉइंट नहीं दिया जाता, आपको पी और क्यू का पोजिशन वेक्टर दिया जाता है। पोजिशन वेक्टर क्या होता है, अगर आप उस पॉइंट को ओरिजिन से ड्रॉ कर दो, एक ही बात है बिलफर्स, अगर एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 1, 3, जो इसका पोजिशन वेक्टर है उसके कोऑर्डिनेट्स भी ये होंगे, बस दिखने का आपको फर्क नजर आएगा। जैसे पॉइंट पी है ना, इसके ये कोऑर्डिनेट्स हैं, जो इसका पोजिशन वेक्टर है जिसको आप ओपी लिखोगे, पोजिशन वेक्टर को आप कैसे लिखते हो, ओपी, वेयर ओ रिप्रेजेंट ओरिजिन, तो ओपी आप कैसे निकालोगे, सिंपल पी माइनस ओ, पी यहां पे क्या है 2, 1, 3 और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स पता है 0, 0, 0, सबट्रैक्ट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है कि पॉइंट और उसका पोजिशन वेक्टर आपको दिखने में एक जैसे लगेगा, हाँ फर्क इनकी इंटरप्रिटेशन में है। जैसे इसको आप ऐसी लिखोगे 2, 1, 3 ऐसी लिखोगे, इसका कोई और तरीका नहीं क्योंकि एक पॉइंट है, लेकिन ये जो ओ पी है ये वेक्टर है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2i + j + 3k। तो इनकी इंटरप्रिटेशन में फर्क है कि ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन दिखने में तो आपको सेम ही लग रहे हैं ना, कोई फर्क तो नहीं है ना इनके अंदर। तो वही बात है कि अगर आपको दो पॉइंट दिए जाए और आपको वेक्टर निकालने को बोला जाए तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको पॉइंट ना दिए जाए, इनके पोजिशन वेक्टर दिए जाए, तब भी यही फॉर्मूला लगेगा कि पी क्यू कैसे निकालोगे, क्यू का पोजिशन वेक्टर माइनस पी का पोजिशन वेक्टर। तो पहला वाला फॉर्मूला यूज करोगे जब क्यू और पी आपको दे दिया जाए, और दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करोगे जब क्यू और पी ना दिया जाए बल्कि क्यू और पी के पोजिशन वेक्टर दिए जाए। फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, एक ही बात है, जो क्यू है वही उसका पोजिशन वेक्टर होगा, जो पी है वही उसका पोजिशन वेक्टर होगा, देखने में आपको फर्क नजर नहीं आएगा। अब जरा देखते हैं, तो पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर ए में यही चीज दी गई है, आपको बोला गया पोजिशन वेक्टर ऑफ पी जिसको आप क्या लिखोगे ओपी, वो किसके बराबर है, वो है 5 - 3, 2। अब ये वेक्टर को लिखने का एक और तरीका, मैंने बताया था ना कॉलम की फॉर्म में भी आप वेक्टर को लिख सकते हो, तो सेम चीज अगर आप आई जे की फॉर्म में लिखो तो इस तरह लिखा जाएगा 5i - 3j + 2k, दोनों तरीके से आप लिख सकते हो, और आप इसको नॉर्मल पॉइंट की फॉर्म में भी लिख सकते हो 5, -3, 2 ऐसे भी आप लिख सकते हो। और फिर आपको बोला गया एंड द पोजिशन वेक्टर ऑफ क्यू, आपको क्यू का पोजिशन वेक्टर दे दिया, क्यू का पोजिशन वेक्टर क्या है -2, 4, -6, सेम इसको वेक्टर की फॉर्म में कैसे लिखोगे -2i + 4j - 6k। अच्छा करना क्या है, यहां पे लिखा हुआ फाइंड 4pq, अब जरा मालूम करते हैं 4pq, सॉल्यूशन पे आ जाए, बोला है आपने मालूम करना है 4pq, ये चीज आपको मालूम करनी है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले pq मालूम कर लेते हैं, फिर 4q मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे कोई बड़ी बात नहीं। pq कैसा आएगा, अभी फॉर्मूला बताया कि अगर तो पॉइंट्स गिवन है तो आप फॉर्मूला ये लिखोगे, अगर पोजिशन वेक्टर गिवन है तो फॉर्मूला ही लिखोगे, वर्किंग पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जाहिर सी बात है जो सवाल में आपको चीज गिवन है उसी को आप इस्तेमाल करो। तो पी क्यू कैसे आएगा, क्यू का पोजिशन वेक्टर माइनस पी का पोजिशन वेक्टर। अच्छा, क्यू का पोजिशन वेक्टर क्या है -2i + 4j - 6k, और पी का पोजिशन वेक्टर क्या है 5i - 3j + 2k। माइनस से मल्टीप्लाई करवा दो, ये हो जाएगा -5i - -5 + 2k, -2i और -5i, ये हो जाएगा -7i, 4j और 3j ये हो जाएगा 7j, -6k - 2k ये हो जाएगा -8k। ये आपके पास वेक्टर पी क्यू आ जाएगा, जबकि आपको यहाँ पे क्या निकालना था 4pq, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, 4pq कैसे आएगा, आप इस वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा -28i + 28j - 32k, ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 4pq का, इस तरीके से हम कर लो। नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या बोला है 5pq का मॉडुलस, सिंपल कॉन्सेप्ट है, जैसे 4pq निकाला था ना इसी तरह 5pq निकालोगे, मतलब 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और फिर जो रिजल्ट आएगा उसका मैग्नीट्यूड लोगे। जैसे बिलफर्स अगर आपको यहाँ पे 4pq का मैग्नीट्यूड लेना होता, फॉर एग्जाम्पल कंसीडर करो अगर आपको ये चीज दी जाती कि 4pq का मॉडुलस भी निकालो, तो बड़ा इजी काम था, मेरे पास 4pq वेक्टर आ गया ना, तो मॉडुलस निकालना कौन सी बड़ी बात है।
देखो इसको मॉडुलस भी बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं, लेंथ भी बोल सकते हैं, डिफरेंट वर्ड आप बोल सकते हैं। तो आपने क्या करना है, माइनस 28 का स्क्वायर प्लस जे का कंपोनेंट 28 का स्क्वायर प्लस माइनस 32 का स्क्वायर, इस तरीके से आप मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो अगर 4PQ का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो तरीका देख लो, इसी तरह 5PQ का निकालना हो तो कौन सी बड़ी बात, निकाल लो। अच्छा पार्ट नंबर बी पे आओ, पार्ट नंबर बी में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 के आपको ए और बी दिया हुआ है और सबसे पहले लिखा हुआ है देन फाइंड। पार्ट नंबर 1 में क्या बोला हुआ है, ए कैप, ए कैप का मतलब ए का यूनिट वेक्टर, निकाल के दिखाया है। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हो, वेक्टर को डिवाइड कर दो उसके मैग्नीट्यूड से। क्वेश्चन नंबर 5 के बी के पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है बी कैप, बी कैप का मतलब बी का यूनिट वेक्टर, वेक्टर को डिवाइड कर देना उसके मैग्नीट्यूड से तो बी का यूनिट वेक्टर आ जाएगा। पार्ट नंबर 3 में क्या बोला है, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, तो पहले ए और बी को ऐड करना, जो वेक्टर आए उसका मॉडुलस ले लेना। और पार्ट नंबर 4 में क्या बोला है, ए माइनस बी का मॉडुलस, मतलब पहले ए लिखना माइनस करना बी से, जो वेक्टर आए उसका मॉडुलस ले लेना। तो स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चन आपके हो गए, कोई सवाल यहां तक है तो पूछ लो। सर मैं स्टैंड वालों से यूनिट वेक्टर डायरेक्शन है यार, देखो अगेन वही बात, मैंने शुरू की क्लासेस में ना खास तौर पे पार्ट जो तीसरी क्लास थी ना वो आई गेस आप उनकी फर्स्ट ईयर की फोल्डर में अपलोड हो चुकी होगी, वहां पे मैंने ये बात क्लियर की थी कि यूनिट वेक्टर का और कोई मकसद नहीं है। देखो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है तो वो किसी चीज को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा, सिर्फ यूनिट वेक्टर का मकसद है डायरेक्शन। भाई अगर आपके पास 10 वेक्टर है ना, समझो 10 वेक्टर है, ए बी सी डी जो भी है 10 वेक्टर है, और उन 10 वेक्टर के मैग्नीट्यूड में फर्क है, डायरेक्शन सबकी सेम है, बन सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक ये है, एक छोटा सा, आप इनमें देखो फर्क क्या है, डायरेक्शन तो सबकी सेम है, डायरेक्शन में कोई फर्क है, सबकी सेम डायरेक्शन है, फर्क किसमें, मैग्नीट्यूड के अंदर। तो अगर ये आपके पास 10 वेक्टर भी हो इस टाइप के, डायरेक्शन अगर उनकी सेम हो तो सबके यूनिट वेक्टर सेम होंगे। अगर यकीन नहीं आता तो करके देख लो ना, ये खुद एग्जाम्पल बनाना बड़ा मुश्किल है लेकिन मेरी बात पे यकीन कर लो ना कि अगर वेक्टर के मैग्नीट्यूड अलग है और डायरेक्शन उनकी सेम है तो इसका मतलब सबके यूनिट वेक्टर सेम होंगे, क्योंकि यूनिट वेक्टर का काम ही होता है डायरेक्शन बताना। यूनिट वेक्टर जब आपने कौन से, जो आई आपने पढ़ा है, ये जो आई क्या है, आई यूनिट वेक्टर है एक्स के डायरेक्शन में। अगर आई की आप वेक्टर फॉर्म देखो तो वेक्टर फॉर्म ये होती है 1, 0, 0, आई को वेक्टर की फॉर्म में आप इस तरह लिखते हो, ठीक है, क्योंकि वो x के डायरेक्शन में, दैट्स व्हाई, और 1 रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड। तो यूनिट वेक्टर का जस्ट काम होता है डायरेक्शन बताना। तो अगर आपको ये बोला जाए कि यूनिट वेक्टर निकालो फलाने वेक्टर की डायरेक्शन में, तो उस वेक्टर से आप यूनिट वेक्टर निकाल लेना, आपको अपने रिक्वायर्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी, और जो भी आपको मैग्नीट्यूड दिया जाए उस मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर देना, दैट्स इट। क्योंकि यूनिट वेक्टर की तो हमेशा मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो आप अपने मुताबिक जिससे भी नंबर से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो कर लो, आपके पास रिक्वायर्ड आ जाएगा। तो सिर्फ मकसद है यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन बताना, बल्कि अगर ये एक्सपेरिमेंट करना है ना, मेरे जहन में एग्जांपल आ गई, एक्सपेरिमेंट करना, तो वेक्टर पिक करो, फॉर एग्जांपल 2i + 3j + 4k वेक्टर, अगर सेम डायरेक्शन में आपको वेक्टर चाहिए ना, तो आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते जाओ। फॉर एग्जांपल मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक और वेक्टर आ जाएगा, फॉर एग्जांपल इसको बी का नाम दे दो। फॉर एग्जांपल मैं इसको 3 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2/3i, 3 को 3 से डिवाइड करो सिंपल 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3 के। ये 3 वेक्टर आपके सामने, इन सब के जरा यूनिट वेक्टर निकाल के देख लेना, सबके यूनिट वेक्टर निकालना, एक ही आएगा, कोई फर्क नहीं है, जो इसका यूनिट वेक्टर है सेम इसका वही आएगा, सेम इसका वही आएगा। तो ये प्रूव हो जाएगा कि अगर वेक्टर की डायरेक्शन सेम है ना, तो उनके यूनिट वेक्टर में कोई फर्क नहीं है, यूनिट वेक्टर सेम ही रहता है उनके। हाँ मैग्नीट्यूड में फर्क होगा, इसका मैग्नीट्यूड अलग होगा, इसका मैग्नीट्यूड अलग होगा, इसका अलग होगा, लेकिन डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं है, यूनिट वेक्टर सबके सेम होंगे। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गया, 7 में आपको इनिशियल पॉइंट दिया हुआ है वेक्टर का, इनिशियल पॉइंट निकालना है आपको, वेक्टर दिया हुआ है और उसका टर्मिनल पॉइंट दिया हुआ है। तो जरा पार्ट 1 देखते हैं, 7 का पार्ट 1 आपको वेक्टर दिया हुआ है -2, 1, 2, आपको इसका टर्मिनल पॉइंट दिया हुआ है, टर्मिनल पॉइंट मैं कोई नाम नहीं देना चाह रहा है इसलिए, टर्मिनल पॉइंट आपको दिया हुआ है 4, 0, -1, और आपको निकालना है इनिशियल पॉइंट। अब ये निकालना कोई बड़ी बात नहीं, अब अगेन देखो मेरा काम होता है कॉन्सेप्ट देना, रट्टे मरवाना मेरा काम नहीं है, कॉन्सेप्ट होना चाहिए, सेम चीज है दोनों, कोई फर्क नहीं है, ये वेक्टर ये पॉइंट,
नोटेशन में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा, लेकिन एक चीज वेक्टर है, एक चीज पॉइंट है। तो अपने जहन में इस चीज को डाल लो कि रट्टा नहीं मानना कि जब ये चीज आएगी तो पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रही है, नहीं, ये हर जगह हर चीज को रिप्रेजेंट करेगी। तो कॉन्टेक्स्ट देखना, बोला क्या जा रहा है, इसको जो बोला जाएगा आप इसको वही ट्रीट करोगे। अच्छा, सॉल्यूशन पे क्या होगा, बहुत ही बच्चों वाला सॉल्यूशन है भाई। जो वेक्टर आपके पास आया हुआ है, ये वेक्टर कैसे आता है, वेक्टर निकालने का सिंपल तरीका क्या होता है, इनिशियल पॉइंट को माइनस कर दो, सॉरी टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। जैसे वेक्टर पी क्यू आप निकालते थे तो क्यू माइनस पी करते थे ना, टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, दो ही फॉर्मूला कि वेक्टर ए किसके बराबर होगा, इसको आप कह दो टी पी, टी पी का मतलब टर्मिनल पॉइंट, और इसको कह देना आई पी मतलब इनिशियल पॉइंट। तो किसके बराबर होगा, टी पी माइनस आई पी, टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। आप लेट कर लो जो इनिशियल पॉइंट है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स को मैं लेट कर लेता हूं यहाँ पे एक्स वाई जेड, ये आपको निकालना है। तो आप फिलहाल लेट कर लो, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको नहीं पता, वही तो आपको निकालना है, आप एक्स वाई जेड। अच्छा, वेक्टर ए आपको क्या गिवन है, माइनस टू वन टू, टर्मिनल पॉइंट आपको क्या गिवन है, फोर जीरो माइनस वन, इनिशियल पॉइंट क्या गिवन है, वो आपको निकालना है। तो आपने इस इक्वेशन में पुट कर दिया। अब देखो इस सवाल को तीन तरीके से पूछ सकते हैं। एक तरीका तो आपने उससे पहले पूछा गया कि आपको दोनों पॉइंट दे दिए जाते थे, आप वेक्टर निकालते थे, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आपसे इनिशियल पॉइंट पूछ लेंगे। तीसरा तरीका क्या है, वो आपसे टर्मिनल पॉइंट पूछ लेंगे, इनिशियल आपको दे देंगे, वेक्टर आपको दे देंगे, और आपको बोलेंगे टर्मिनल पॉइंट निकालो। तो तरीका सेम ही है, कोई फर्क नहीं है इसका। क्या करो आप, इसको ऐसे रहने दो, इसको जरा सॉल्व करो, फोर माइनस एक्स कॉमा जीरो माइनस वाई, सिंपल माइनस वाई हो जाएगा, माइनस वन माइनस जेड। अब देखो दोनों तरफ जो है वो वेक्टर्स हैं, इस पॉइंट को इससे माइनस करोगे तो ये वेक्टर ही बन रहा, दरमियान में इक्वल का साइन है, इसका मतलब दोनों सेम ही होने चाहिए, जाहिर सी बात है, ये वाली चीज के बराबर है, दोनों आपस में सेम होंगे। तो दोनों आपस में सेम, दोनों वेक्टर, दो वेक्टर सेम कब होते हैं, जब उनके कंपोनेंट्स आपस में इक्वल हो। मतलब अगर ये माइनस टू है तो यहाँ पे माइनस टू आना चाहिए, अगर ये वन है तो यहाँ पे वन आना चाहिए, अगर ये टू है तो यहाँ पे भी टू आना चाहिए। तो और आप इनको दरमियान में इक्वल का साइन है, तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे माइनस टू किसके बराबर आएगा, फोर माइनस एक्स के, यहां से एक्स की वैल्यू निकालना, एक्स जो है वो सिक्स के बराबर आ जाएगा, फिर वन को बराबर रखना माइनस वाई के, वन इज इक्वल टू माइनस वाई, यहां से वाई की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन। इसी तरीके से टू को बराबर रखना माइनस वन माइनस जेड के, तो जेड का यहां से आंसर आ जाएगा माइनस थ्री, आपके पास एक्स भी आ गया, वाई भी आ गया, जेड भी आ गया। तो हेंस आपके पास जो इनिशियल पॉइंट है ना वो आ गया, जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या है, सिक्स कॉमा माइनस वन कॉमा माइनस थ्री। सवाल आपका कंप्लीट, ठीक है। और अगर चेक करना चाह रहे हो तो सवाल में चेक भी कर लेना, यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करना, सॉल्व करना, देखना इसी के बराबर आ रहा होगा, तो ये आपका सवाल भी वेरीफाई हो जाएगा। सेवन के पार्ट में देखो टर्मिनल पॉइंट पूछा हुआ है, लिखा हुआ फाइंड द टर्मिनल पॉइंट ऑफ द वेक्टर ए वन ए टू इफ देयर इनिशियल पॉइंट। अब देखो यहाँ पे वेक्टर को नाम दे दिया, यहाँ पे तो सिंपल ए था ना, आपको नहीं पता था इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट का क्या नाम है, लेकिन पार्ट नंबर टू में नाम दे दिया ए वन ए टू, आपके वेक्टर उन्होंने दिया है ए वन ए टू, और ये वेक्टर सवाल में गिवन है वन थ्री माइनस थ्री, इसका मतलब इनिशियल पॉइंट ए वन है और टर्मिनल पॉइंट जो है वो ए टू है। तो आपका सवाल में उन्होंने इनिशियल पॉइंट दिया हुआ है, मतलब ए वन आपको दे दिया, ए वन है माइनस टू वन फोर, और आपसे बोला हुआ टर्मिनल निकालो, मतलब ए टू निकालो यहां पे, तो यहां पर उन्होंने नाम दे दिया, और अच्छी बात है। तो सिंपल यही क्वेश्चन होगी कि वेक्टर ए वन ए टू किसके बराबर होगा, ए टू माइनस ए वन। अब ए वन आपको पता है ए टू के कोऑर्डिनेट्स को एक्स वाई जेड लेट कर लेना, फिर इसी टाइप का सॉल्व करना, यहाँ पे कंपेयर करना आपस में, आपके पास एक्स वाई जेड आ जाएगा, मतलब आपके पास टर्मिनल पॉइंट ए टू आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन हमारा कंप्लीट हो गया, तो 10 मिनट की और क्लास है, फिर आप लोगों की छुट्टी हो जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर सेवन का पार्ट टू है, इसको भी देखना। क्वेश्चन नंबर एट में आपको बोला हुआ है इनिशियल पॉइंट ऑफ अ वेक्टर ए ऑफ मैग्नीट्यूड फाइव। आपको सबसे पहले एक वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड दे दिया है और साथ साथ उसका इनिशियल पॉइंट दे दिया है। फाइंड के इफ द टर्मिनल पॉइंट, आपको बोला हुआ है के मालूम करो अगर टर्मिनल पॉइंट उसका, पार्ट ए बी सी में तीन आपको टर्मिनल पॉइंट दिए हैं। तो सबसे मुश्किल मुझे पार्ट नंबर बी लग रहा है एट का, तो वो जरा कर लेते हैं। इनिशियल पॉइंट नाम देना चाहो तो दे सकते हो आप लोग,
आसानी के लिए फॉर एग्जाम्पल नाम दे देते हैं, ए नाम दे देते हैं इसको। इनिशियल पॉइंट क्या गिवन है, 1, -√3, -5। और पार्ट नंबर बी हमने पिक किया है, तो पार्ट नंबर बी में जो टर्मिनल पॉइंट है जिसको फॉर एग्जाम्पल बी का नाम दे दो, वो है 2, -√3, -10k। ठीक है, और आपको यहाँ वेक्टर की बात की गई है, वेक्टर कौन सा है, ए बी। एक वेक्टर है ना जिसका इनिशियल पॉइंट ए है, टर्मिनल पॉइंट बी है, तो आप उसको कैसे लिखोगे, ए बी लिखोगे। आपने उनका नाम ए और बी सिलेक्ट किया ना, इनिशियल पॉइंट ए, टर्मिनल पॉइंट बी। बुक में तो नाम उसका ए दिया हुआ था ना, लेकिन आपने उसको इनिशियल और टर्मिनल को एक नाम दिया हुआ है ए और बी, तो ए को आप कैसे लिख सकते हो, ए बी के फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो इस वेक्टर का ना आपको मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, सवाल में मैग्नीट्यूड है इसका 5 यूनिट। अब इसका क्या काम आएगा वो आपको थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। तो इस वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड भी उन्होंने दे दी है, और करना है क्या है यहाँ पे, के की वैल्यू निकालनी है, ये सवाल है। जो के आपको नजर आ रहा है ना वो आपको निकालना है, तो इनिशियल, टर्मिनल पॉइंट और मैग्नीट्यूड, इससे आपको के निकालना है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम वेक्टर ए को कंसीडर करते हैं जिसको मैंने ए बी का नाम दिया है। कैसे निकालते हो, टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। टर्मिनल पॉइंट क्या है, 2, -√3, -10k। माइनस इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट क्या है, 1, -√3, -5। अब जरा वेक्टर निकालते हैं यहां पर, इसको खाली ए बोल दो कोई मसला नहीं। तो 2, -1, आपको पता है सेम कंपोनेंट को आपने, पहले वाले कंपोनेंट माइनस जो दूसरे पॉइंट में पहला वाला कंपोनेंट है, पहले को आपस में करोगे, दूसरे को आपस में करोगे, तीसरे को आपस में करोगे, ठीक है। तो 2, -1, -√3, -, देखो इसमें दूसरा कंपोनेंट है -√3, दरमियान में माइनस है, और यहां पे दूसरा कंपोनेंट है -√3, तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो दूसरे कंपोनेंट को आपस में सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं। तीसरा कंपोनेंट है -10k, दरमियान में माइनस है और यहां पे माइनस है, तो माइनस माइनस पॉजिटिव, तो सेम कंपोनेंट्स को आपस में आपने सब्ट्रैक्ट करवा दिए। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस वेक्टर को, 2 -1 सिंपल 1, -√3 +√3 हो जाएगा -2√3, और ये तो अपनी जगह भी रहेगा। ये बच्चों आपके पास वेक्टर आ गया। अब दूसरी कंडीशन इस्तेमाल करो मैग्नीट्यूड वाली, और के की वैल्यू निकाल लो। अब कह रहे हैं कि आप सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, 1 का स्क्वायर, अच्छा, -√3 का स्क्वायर, और यहां पे क्या है, -10k + 5 का स्क्वायर। इस तरीके से मैग्नीट्यूड निकालते हैं। सवाल में आपको मैग्नीट्यूड ऑलरेडी दिया था, मैग्नीट्यूड इसका क्या 5 के बराबर, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप यहां पे 5 पुट कर देंगे, और राइट हैंड साइड पे क्या होगा, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 तो 1 ही रहेगा, -√3 का जब स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, देखो माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है तो माइनस को इग्नोर कर दो, 2 का स्क्वायर 4, और √3 का स्क्वायर होगा सिंपल 3 क्योंकि रूट हट जाएगा, तो 4 3 12, तो इस पूरी चीज का स्क्वायर करोगे तो आपके पास आ जाएगा 12। और इस चीज को फिलहाल सिंप्लीफाई ना करो, कोई फायदा नहीं है, इसको ऐसी रहना दो। अब आप क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो, तो ये हो जाएगा 25, और यहां से स्क्वायर हट जाएगा, 1 + 12 13 हो जाएगा, ये सिचुएशन आ जाएगी। अब देखो अगर आप यहाँ पे होल स्क्वायर को ओपन करोगे ना, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही होगी, के स्क्वायर के और फिर कांस्टेंट होगा, बेहतर इसको ऐसे ही रहना दो, कैलकुलेशन में थोड़ी आसानी हो जाएगी। आप 13 को जाके सब्ट्रैक्ट करवा दो, तो इसको ऐसे ही रहना दो, -10k + 5 का होल स्क्वायर ऐसे ही रहना दो, 13 को जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट, 25 - 13 12 के बराबर, सही। अब आप क्या करो, यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, लिखना चाहो तो लिख लो, मतलब एक तरीका है ना कि होल स्क्वायर ओपन करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है फिर सॉल्व करो, एक तरीका सिंपल क्या है, आप यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर रूट लो, तो लेट देना टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्या होगा, यहाँ पे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, जस्ट ये आ जाएगा, और √12 ये आ जाएगा, तो दोनों तरफ आपने स्क्वायर रूट लिया, और आपको पता है प्लस माइनस भी आता है, जब भी आप स्क्वायर रूट लेते हो तो दोनों तरफ, सॉरी राइट की तरफ आप क्या करते हो, प्लस माइनस आ जाते। अब यहाँ पे k की वैल्यू आपने निकालनी है, बड़ा आसान तरीका है, 5 को उधर जाके हम सब्ट्रैक्ट करवा देंगे और वहां से हम k की वैल्यू निकालेंगे। अच्छा, तो -10k अपनी जगह पे, 5 को उधर ले जाओ। अच्छा, एक और इजी हेल्प भी है इसका, कि आप -10k को उधर ले जाओ और ये +√12 को इधर ले आओ,
मैं बताता हूँ कैसे। तो माइनस टेन के उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टेन के, ये फाइव तो अपनी जगह पे ही है ना, प्लस माइनस रूट ट्वेल्व का बदल गया। तो देखो अगर एक तरफ उसके साथ साइन है प्लस माइनस, जब आप इस तरफ लाओगे तो इस तरफ भी उसके साथ प्लस माइनस ही होगा। इसको टेक्निकल इस तरह आप समझ सकते हो कि प्लस जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो प्लस माइनस जब इस तरफ आएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा। बात एक ही है, आप प्लस माइनस लिखो या माइनस प्लस लिखो, बात एक ही होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चलो मैं फिर भी ये लिखता हूं दिखाने के लिए कि चलो फर्क पड़ रहा है थोड़ा। तो हमने क्या किया, माइनस टेन के उधर ले गए तो वो पॉजिटिव हो गया, और प्लस माइनस को उधर लाओगे तो ये हो जाएगा माइनस प्लस रूट ट्वेल्व। तो थोड़ी बहुत मैथ जो आप बचपन से करते हुए आ रहे हो वो मैंने की है। यहाँ पे जो रूट ट्वेल्व था उसको आपने सिंप्लीफाई किया, सिंपल थ्री रूट टू रूट थ्री हो गया, तो वो आपने यहाँ पे पुट कर दिया, सेम वो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। अब आप एलसीएम ब्रेक कर दो, ये हो जाएगा फाइव अपॉन टेन माइनस टू रूट थ्री अपॉन टेन, और ये हो जाएगा फाइव अपॉन टेन प्लस टू रूट थ्री अपॉन टेन। आप इनको एक साथ भी कर सकते हो प्लस माइनस करके, लेकिन बेहतर है अलग अलग हो, पता चलता रहता है कि दो वैल्यूज आ रही है की। सॉल्व करो ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन टू माइनस टू अपॉन टेन क्या होता है, सिंपल नीचे फाइव आ जाएगा। तो एक तो ये के की वैल्यू आ जाएगी और यहां से के की वैल्यू आ जाएगी फाइव अपॉन टेन वन अपॉन टू प्लस रूट थ्री अपॉन फाइव, ये के की दूसरी वैल्यू आ जाएगी। तो दोनों आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी। सवाल आपको कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर नाइन में लिखा हुआ क्या, नाइन में आपको मेंशन किया हुआ हमने कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, आपको पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। गिवन क्या है, ओ ए की लेंथ जो है वो सिक्स यूनिट है, मतलब सबसे पहली चीज आपको क्या गिवन है कि जो ओ ए वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ सिक्स है, और आपको क्या गिवन है इज ऑफ लेंथ सिक्स यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ ओ बी, कि जो ओ ए है और ओ बी की डायरेक्शन सेम है, और बी पॉइंट के बारे में आपको दिया हुआ है कि बी पॉइंट है टू कॉमा माइनस वन कॉमा फोर। तो एक तो आपको ओ ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, आपको बी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, और एक और चीज क्या पता है कि ओ ए एंड ओबी हैव सेम डायरेक्शन। देखो अगर दो पोजीशन वेक्टर हैं और उनकी सेम डायरेक्शन है, इसका मतलब कि वो ओवरलैप कर रहे होंगे, मतलब ये सिचुएशन बन रही होगी कि अगर पहला पोजीशन वेक्टर इस तरीके से है तो दूसरा भी इसके ऊपर ही होगा, और डिपेंड करता है उनकी लेंथ क्या होगी आपस में। अगर बिल्कुल इक्वल होंगे तो फिर तो एक दूसरे के ऊपर होंगे, अगर उनके लेंथ में फर्क है तो आपको इस तरह नजर आएंगे, क्योंकि दोनों के पोजीशन वेक्टर में कंसीडर कर लो, ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है, तो ओ ए भी यही होगा और ओ बी यही, ओ बी जो है वो बड़ा वाला हो जाएगा क्योंकि डायरेक्शन सेम है। तो इसका मतलब, और दोनों पोजीशन वेक्टर हैं, मतलब आपने ओरिजिन से ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी बन रही होगी। तो आपको ओ ए ओ बी की डायरेक्शन सेम है, बी पता है ओ ए पता है, और आपको यहाँ पे ए निकालना है जिसके कोऑर्डिनेट्स को आप लेट कर लो एक्स वाई जेड, ये आपको यहाँ पे मालूम करना है। अच्छा जी, अब किस तरह मालूम करेंगे, सिंपल कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। क्या कॉन्सेप्ट है कि आप यहाँ पे ओ ए निकाल लो, जैसे आपके पास ओ ए आ गया तो आपके पास ए पॉइंट भी आ जाएगा, क्योंकि ओ ए वेक्टर और ए पॉइंट कोऑर्डिनेट सेम ही होते हैं इसके। तो अब सवाल है कि ओ ए वेक्टर मैं कैसे निकालू, निकालने का तरीका सिंपल ये होगा कि मुझे ओ ए का मैग्नीट्यूड पता है। इस कॉन्सेप्ट को जहन में रखना कि किसी भी वेक्टर को निकालने का तरीका क्या होता है, वेक्टर निकालने का तरीका है कि मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दो यूनिट वेक्टर से। किस तरह, कि अगर आपने ओ ए वेक्टर निकालना है तो तरीका क्या होगा, आप ओ ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है इसको मल्टीप्लाई कर दोगे ओ ए की डायरेक्शन से। यूनिट वेक्टर जो है वो डायरेक्शन बताता है, लास्ट क्लास में भी आप लोगों को बताया था कि जो ओ ए की डायरेक्शन है उसको मल्टीप्लाई कर दो मैग्नीट्यूड से, तो आपके पास ओ ए वेक्टर आ जाएगा। जैसे ही ओ ए आएगा वहां से आपको ए पॉइंट भी मिल जाएगा, ठीक है। अब ओ ए का मैग्नीट्यूड आपको सवाल में दिया हुआ है सिक्स के बराबर है, सवाल ये है कि ओ ए का यूनिट वेक्टर आपको नहीं पता, लेकिन उन्होंने हिंट दी है सवाल में। क्या हिंट है कि सिंस ओ बी एंड ओ ए हैव सेम डायरेक्शन, ये चाहो तो वर्डिंग ऊपर ना लिखना नीचे लिख देना, देयरफॉर जो ओ बी का मैग्नीट्यूड सॉरी ओ बी की जो डायरेक्शन है और जो ओ ए की डायरेक्शन है वो दोनों की सेम है, इसका मतलब इनके यूनिट वेक्टर भी सेम होंगे। मैंने कल की क्लास में बताया था कि अगर आपके पास चार पांच दस वेक्टर्स हैं जो एक ही डायरेक्शन के अंदर है तो उन सबके यूनिट वेक्टर सेम होंगे। तो अगर ओ बी और ओ ए की डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब इन दोनों के जो यूनिट वेक्टर है वो भी सेम होंगे।
तो ओ ए आपको निकालना था, आप ओ बी निकाल लो, जो ओ बी होगा वो ओ ए के बराबर ही होगा। तो हमारी सारी कोशिश होनी है ओ बी का यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे, ओ बी का वेक्टर डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, ये फॉर्मूला। अब ओ बी सवाल में गिवन नहीं है लेकिन आप निकाल सकते हो, अगर बी पॉइंट ये है तो ओ बी भी यही होगा। निकालने का तरीका क्या है, मैंने बताया था किसी भी वेक्टर को अगर आपने निकालना है तो टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, बी पॉइंट आपको सवाल में गिवन है, इसको माइनस कर दो ओ से मतलब ओरिजिन से, तो सिंपल लैंग्वेज में जो ओ बी वेक्टर है वो भी यही आएगा, टू कॉमा माइनस वन कॉमा टू, चाहो तो आई जे के की फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, ये वेक्टर है। अब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालो, टू का स्क्वायर फोर, माइनस वन का स्क्वायर वन, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, तो ये हो जाएगा रूट ट्वेंटी वन, ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा ओबी का। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका बताया हुआ है कि जो कंपोनेंट्स हैं उनको स्क्वायर करो और आपस में ऐड करो। ये करने के बाद अब वक्त आ गया ओबी का यूनिट वेक्टर निकालने का, तो आप ओबी निकालो, आप इसका यूनिट वेक्टर, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर है 2i माइनस जे प्लस 4k डिवाइडेड बाय, इसको मैंने आई जे के फॉर्म में लिखा है और मैग्नीट्यूड क्या है रूट ट्वेंटी वन, सिंप्लीफाई कर लो, 2 अपॉन रूट ट्वेंटी वन आई, 1 अपॉन रूट ट्वेंटी वन जे प्लस 4 अपॉन रूट ट्वेंटी वन के। अब जो ओबी है वही ओ ए के बराबर है यहां पे, तो फाइनली आपको ओ ए वेक्टर निकालना था, ओ ए वेक्टर क्या होगा, मैग्नीट्यूड टाइम्स यूनिट वेक्टर, ओ बी लिखो या ओ लिखो बात एक ही है ना, दोनों बराबर है आपस में, एक ही बात है, मैग्नीट्यूड 6 था और यूनिट वेक्टर आप लोगों के सामने। सॉल्व करो ये हो जाएगा 12 अपॉन रूट ट्वेंटी वन आई, 6 को मल्टीप्लाई करो ये हो जाएगा 6 अपॉन रूट ट्वेंटी वन जे, 6 को से मल्टीप्लाई करो ये हो जाएगा 24 अपॉन रूट ट्वेंटी वन, ये आपके पास ओ ए वेक्टर आ गया। अब आपको पता है यार जो बी पॉइंट होता है ना, बी पॉइंट ये था ना, तो ओ बी वेक्टर भी यही था, एक ही बात है, जो पॉइंट होता है उसका पोजीशन वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स भी वही होते हैं, तो यहां से डायरेक्ट आपको ए मिल जाएगा, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 12 अपॉन रूट ट्वेंटी वन माइनस 6 अपॉन रूट ट्वेंटी वन और 24 अपॉन रूट ट्वेंटी वन, आपको असल में ए निकालना था, ए आपके पास आ गया, ये पूरा मेथड है, कोई मसला यहाँ पे।